आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय जावड़ेकर जी, श्री उदय जी और मंच और सभागार में बैठे मेरे सभी साथियों, इस ज़माने में जब बुद्धिजीवी एक फोर लेटर वर्ड बन गया है, मुझे अपने लोगों के से ये पुरस्कार मिलेगा, ये एक बहुत सुखद आश्चर्य दे गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। पद्मश्री वगैरह तो मैं ठीक है, वो हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन अपने लोगों से पुरस्कृत होने का सुख जो है वो बिल्कुल फ़र्क होता है। मैं जितने भी हमारे भाषाई पत्रकार भाई बहन हैं उनकी तरह से छोटे शहरों से आती हूँ और हमने सब ने अपने लोकल जो सरकारी स्कूल थे उसमें पढ़ा, हिंदी माध्यम में पढ़ा। और हिंदी माध्यम में पढ़ने के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई, 50 और 60 के दशक ये थे जब हमारे साथ शहर के ढाबे वाले से लेके चपरासी और जितने भी मझोले दर्जे के अफसर और वो सब थे, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हम लोगों को एक ही तरह की शिक्षा मिलती थी। लेकिन उस शिक्षा में कोई सिफत होगी, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं जो अब 60 के ऊपर हैं, उनके बहुत उर्वर दिमाग हैं और उसकी वजह यह है कि बहुत छोटी उम्र में हमको समाज के बहुत सारे वर्गों से परिचित होने का मौका मिला। मेरा बेस्ट फ्रेंड था अब्दुल्ला, उसका बाप एक ढाबा चलाता था शाहजहाँपुर में और वो मुझे बताता था कि किस तरह से वो रात को घर जाके जब ढाबे की भट्टी बुझा के और तंदूर को लीप करके फिर सोने को जाता है। तो मैं फिर उसके साथ गई और हम दोनों ने देखा कि कैसे वो चिकनी मिट्टी का घोल तैयार करता है, कैसे वो उसको लीपता है पोतड़े से, फिर किस तरह से कहाँ पर सफाई करता है। तो ये जो ज़िंदगी थी, ये जो जानकारियाँ थीं, इसके साथ साथ एक बहुत अद्भुत चीज़ ये भी हुई कि हिंदी के साथ साथ बोलियाँ भी सीखी। भोजपुरी, अवधी, ब्रिज, मगही, तमाम तरह की हिंदी पट्टी में मेरे पिता बार घूमते रहते थे तो हम लोग सब कभी हर डेढ़ साल में बदला हमारे तबादले होते थे। तो स्कूल में कभी हमारे पास पूरी किताबें नहीं होती थी, मिड टर्म में हम लोग जाते थे तो हम लोगों को पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था। लेकिन जो भाषा की और जो जनमानस की एक अद्भुत छवि हम लोगों ने देखी उस उम्र में, वो मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में मेरे लिए बहुत काम आई। और मैं ये सोच रही थी कि जितने भी बड़े हमारे जर्नलिस्ट हुए हैं, तीन बड़े मूवमेंट मैंने देखे हैं। पहला मूवमेंट तो खैर गदर के आसपास हुआ, जबकि अचानक रजवाड़ों को लगा कि उन्होंने गदर में मात खाई है लेकिन उनको कुछ देशभक्ति दिखानी चाहिए, तो लिहाजा उन्होंने हिंदी में निकाले। तो एक रीवा के महाराजा लक्ष्मण सिंह जुजेर ने भारत भ्राता निकाला, शिवराज प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला, और एक अत्र भवान राम सिंह जुदेव थे काला कांकर के, उन्होंने हिंदुस्तान निकाला। और उसके पहले संपादक बने मदन मोहन मालवी, जो बहुत गरीब स्टूडेंट थे और उनको छात्रवृत्ति की ज़रूरत थी, तो उनसे कहा महाराजा ने कि तुम संपादक बन जाओ, और वो संपादक बने और हिंदुस्तान निकलना शुरू हुआ। दो जगह से छपता था, एक तो काला कांकर से और एक लंदन से, क्योंकि राजा राम सिंह लंदन में रहते थे और उसकी उनका जो प्रिंट लाइन मैंने उसकी पुरानी अंक की एक देखी, उसमें ऊपर से संपादक की जगह लिखा था अत्र भवान महाराजा राम सिंह जुदेव सदा समर विजयी भवेत। तो ये हिंदी मीडिया का जो पागलपन है, कहीं मुझे मेरे अंदरूनी पागलपन से जोड़ खाता था और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा आलोड़न मेरी जीवन काल में हुआ, जो पोस्ट इमरजेंसी जो इतना भारी फैलाव हुआ, और फिर 21वीं सदी शुरू होते ही जो हबमास ने कहा है रिफ्यूडलाइजेशन हुआ, कि हिंदी मीडिया और वर्नेक्युलर मीडिया में इतना फैलाव हुआ कि अचानक लोगों की आँख में डॉलर नाचने लगे कि भाई ये तो बड़ा कमाऊ चोखा धंधा है, और हिंदी मीडिया की शक्ल बदलने लगी। हम लोग बहुत साल पहले पन्ना में रहते थे तो वहाँ माइन खदानों में से कई बार छोटी खदानों में से गरीब लोगों को हीरा मिल जाता था और वो सब बेकार की चीज़ों में उसकी कमाई जाती थी। तो जैसे उसकी पत्नी
बनारसी साड़ी पहन के झाड़ू लगाती थी। तो कुछ कुछ ये नई कमाई हिंदी में भी इसी तरह गंवाई जाने लगी कि बड़ी बड़ी कारें संपादकों को मिल गई, लेकिन अंदर खाने वही हालत थे कि मोडेम सेंटर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला चला रहा है जिसकी आपने शक्ल भी नहीं देखी है। तो एक वो दौर भी था, लेकिन धीरे 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 हिंदी भी, अब दिक्कत ये हो जाती है कि हिंदी से पैसा तो काफ़ी मिलने लगा है, लेकिन हिंदी का प्रोफाइल वैसा नहीं है जिससे मालिकान अपने को एसोसिएट करना चाहते हैं। तो अभी भी रहने वाले हम आउट हाउस के हैं, लेकिन बड़े बड़े हाउस के बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद उठाने के लिए बॉली बन के हम लोग जाते हैं, लेकिन लेकिन ये भी सही है कि हमारे बिना उनके गेम्स नहीं चल सकते हैं। तो मुझे बहुत ये देख करके मन में सुखद विस्मय भी होता है और इच्छा भी होती है कि ये समय है जब हिंदी वाले अपना सारा पूर्वग्रह और बेकार की जिद छोड़ करके जम के पिल करके पत्रकारिता करें। मालवीय ने ये किया था, शॉ ने एक बार कहा था कि प्रोग्रेस अलास कम्स फ्रॉम अनरीजनेबल वंस, तो वो भी अपने ज़माने के अद्भुत अनरीजनेबल आदमी थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, पैसे की उनको कमी थी और उनके सहपाठी थे मेरे परनाना, और ये दोनों जुनूनी दोस्त जो थे ये झोली फैला करके पैसा चंदा इकट्ठा करते थे कि किसी दिन हम एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो मालवीय जी ने राजा राम सिंह से कहा कि मैं आपके यहाँ तब नौकरी करूँगा जब आप मुझे कभी भी रात को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप रात को अच्छी हालत में नहीं होते हैं। तो उनको प्रॉमिस मिला, उन्होंने किया, और एक साल के बाद महाराजा ने एक दिन उनको बुलवाया और वो पिए हुए थे, तो मालवीय जी त्यागपत्र दे के चले आए। तो मेरे परनाना ने उनसे पूछा कि भाई बंधु अब क्या करोगे, उसने कहा ये तो पता नहीं पर मैं राजा की नौकरी नहीं करूँगा। तो ये जो फितरत हिंदी की है ये बनी रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही हिंदी को आज की दुनिया से तालमेल बिठाना चाहिए। ऐ चुटैयाधारी बन के तरह तरह के खड़ाव खटकाते, वो ज़माना चला गया है, थोड़ा सैवी बनिए, थोड़ा सहज बनिए और अंग्रेज़ी का विद्वेष छोड़िए और बोलियाँ भाषाएँ सीखिए। इतनी हिंदी की हिंदुस्तान की भाषा है। इस बुढ़ापे में मैंने अपने को मराठी सिखाई और मराठी से पुस्तक का अनुवाद किया, तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिसको थोड़ी बहुत संस्कृत और अच्छी हिंदी आती है वो आसानी से महीने भर में मराठी काम चलाने लायक सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अद्भुत रास्ता रहा। अब मैं अपने को आजकल और भाषाएं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि एक अद्भुत रास्ता हमारे आगे वर्नाक्यूलर्स में खुल रहा है। ये हमारी ही बेवकूफ़ी होगी अगर हम इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो कोई मुझसे कह रहा था आप हिंदी वालों को बहुत डांटती हैं, मैंने कहा मुझे इसका हक है क्योंकि मैंने हिंदी की रोटी खाई है, और हिंदी की रोटी खाने वालों से मैं कहूँगी कम से कम अपनी रोटी का तो सम्मान करो, अगर कमाना ही है तो ज़रा इज्जत से कमाओ, ये क्या रेरी आते हुए और घिघी आते हुए फिरते हो। तो इसलिए वर्नाक्यूलर का सच में भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसे पत्रकार अब जल्दी ही निकलेंगे जो कि इनको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जैसे कवि ने भी कहा था कि उपस्थिति कोपी में सामान्य धर्मा, मेरा ही जैसा कोई फितरती जुनूनी पागल फिर होगा, कालो ही हम निर्वधि विपुलाज पृथ्वी, क्योंकि समय जो है वो टाइम लिमिटलेस है और ये धरती इतनी बड़ी है। तो भगवान करे जुनूनी लोग अनरीजनेबल लोग बने रहें, क्योंकि उन्हीं से दुनिया का लुत्फ है, उन्हीं से मीडिया की गहराई है, और मुझे अच्छा लगता है जब उस पागलपन के मुझे रोज़ शाम को दर्शन होते हैं। थैंक यू।